सोमवार को ईटाभट्टी परिसर में इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्यारे खान के साथ मुस्लिम समाज भाइयों का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कई समाज सदस्य शामिल हुए। ईटाभट्टी परिसर के इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में प्यारे खान समेत स्थानीय मुस्लिम बांधव मौजूद थे। इस दौरान कई लोगों ने चुनाव संबंधी अपने सवाल प्यारे खान से पूछे। इन सभी सवालों का जवाब देते हुए प्यारे खान ने बताया कि वह कोई राजनीतिक हस्ती नहीं है, बल्कि उन्हें अपने मुस्लिम समाज से लगाव है। वह मुस्लिम इलाके और युवा पीढ़ियों के विकास के लिए यह बातचीत और मेल मिलाप कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम भाइयों के सवालों को भविष्य में न्याय सके। इस दौरान कई मुस्लिम समाज के हस्तियों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी बातें सामने रखी। मेरा कर्तव्य बनता है मेरे समाज के लिए काम करना, तो मुझे लगता है कि मेरे समाज का भला कहां से हो सकता है। मैं बाकी लोगों के जैसा अपना समय जाया नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमानों के हालात इतने खराब है कि उनको अगर जिस स्पीड से अगर हम चले तो 200-300 साल से उनका भला नहीं हो सकता। 200-300 साल उनका भला हो ही नहीं सकता। तो हमको भी अब अपनी स्पीड को बढ़ानी होगी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे राका, जो भी पार्टी अगर आपको लग रहा है कि सेंट्रल में है, महाराष्ट्र में, हमको उसके साथ जाके अपना विकास करना चाहिए। क्योंकि हम हर सरकार को अपना टैक्स देते हैं, तो टैक्स का रिफंड लेना भी हमारा हक है। ये कार्यक्रम ऐसा था, सुन्नी सेंटर के अंदर में जो कार्यक्रम रखा गया था, ये हम जो है मुस्लिम जो आज नितिन गडकरी साहब से जुड़ रहे हैं, तो उसी के बारे में हमारे कुछ सवालात थे जो प्यारे खान साहब से हमको करना था कि भाई ये जो आप काम कर रहे हो गडकरी साहब, इसके अंदर में हम अगर बीजेपी को वोट दे रहे तो उसका फ़ायदा भी तो हमको होना चाहिए। आज हमारा इस्तेमाल जो है दूसरी पार्टियां करती रही है, बदले में हमको क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं। कोई काम आते हैं उसको टाल देते हैं, सिर्फ आश्वासन रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि गडकरी साहब चुनकर आए और हमारे जो समस्या है उसको वो हल कराए। असल में आज का हमारा प्रोग्राम का टॉपिक था बोल के लब की आज़ाद हैं तेरे, यानी कुछ सवालात थे जो यहाँ के इमामों, यहाँ के दानिश्वर, यहाँ के बुद्धिजीवी के थे। ख़ासतौर से वो सवालात ये थे कि हम नागपुर में बीजेपी को अगर मुसलमान सपोर्ट कर रहा है और बहुत सी बीजेपी के तालू से बातें आवाम में फैल रही थी, तो वो अपने उन बातों का निराकरण करने के लिए और उन बातों को जो परेशान था सुलझाने के लिए यहाँ उसने हमसे खुद कहा कि आप ताजाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान साहब जी को बुलाइए, क्योंकि वो नितिन गडकरी जी के लिए मुसलमानों में ख़ासों से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो हमारे सवालात हैं, उन सवालात का जवाब दें। तो आज आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से उनके सवालात के जवाब हुए, बस इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया था। बात फ़ायदे और नुकसान की नहीं है, कोई भी पार्टी भी इलेक्शन में आती है तो वो काम सबके लिए ही करती है। मान लिया अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है तो किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं होती, अगर वो रोड तैयार होती तो उस पर गाड़ी सबकी चलती है, अगर ट्रेन कोई वंदे भारत निकालती है तो उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं बैठता बल्कि दूसरे बैठते हैं, अगर बुलेट ट्रेन आती है, अगर इस हाई स्पीड ट्रेन आती है तो उसमें सभी बैठता है। तो अगर तरक्की कोई भी पार्टी करे तो उसमें तरक्की किसी एक कम्युनिटी की नहीं होती, सारी कम्युनिटी की होती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें हुई यहाँ पर। कुछ हमारे जो मन में सवालात थे वो सवालात के जवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मिले। जो भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, और नितिन गडकरी साहब को तो कोई रोक ही नहीं सकता, काम के विषय पर चुन के आएंगे, वो जो काम करेगा वो आएगा। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ प्रकाश शुंखलवार की रिपोर्ट।